चले प्यारे बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से आपका अपना YouTube चैनल सर्किल पॉइंट GKGS पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चले बच्चों, मुख्य रूप से जो बिहार SSC GD उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। बिहार SSC इंटर स्तरीय में आपको 25 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलकर रहेगा। आप SSC GD में भी देखेंगे बायो के प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन आपको रहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कुछ इसी तरीके का सिलेबस है आपका, साइंस के महत्वपूर्ण आपका उसमें सवाल रहेगा। और बिहार सचिवालय जो कि आने वाला एग्जाम होगा, जो आने वाला परीक्षा है, उसके लिए भी आपके साइंस 25 अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो बिहार SSC के लिए हैं, बिहार सचिवालय के लिए हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए खास करके यह महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। आप इसका नोट्स बना लेंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन आप जरूर करें, अगर आपको याद है तो रिवीजन कम से कम एक बार आप जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आप लोग की तैयारी के लिए एक बार फिर से बायोलॉजी के 20 प्रश्नों के साथ, जिसमें पहला प्रश्न आपको है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है, तो लैमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम कहेगा परिभाषित कौन किया, तो लैमार्क। कौन किया? लैमार्क। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको बिहार SSC में जरूर देखने को मिलेंगे। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। अगला सवाल, उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। जो पृथ्वी है, इस पर सबसे पहले किस जीव का उत्पत्ति माना जाता है? नील हरित शैवाल का। नील हरित शैवाल का सबसे पहला उत्पत्ति पृथ्वी पर माना जाता है। अगला सवाल, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको पता होगा दो प्रकार का राइबोसोम होगा, 70S और 80S। तो जीवाणु में पूछेगा किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। जिन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, वो कौन पौधे होते हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होगा, वैसा कौन पौधा होगा, तो अनावृतबीजी होगा और टेरिडोफाइट्स होगा। अनावृतबीजी और टेरिडोफाइट्स होगा, जिसमें जाइलम वाहिकाओं का अभाव होगा। जाइलम का काम क्या होता है? जड़ से, मिट्टी से जल लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम होता है जब भोजन पत्ती बना लेगी तो उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो दो भाग होता है, जाइलम और फ्लोएम। जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम। और बने हुए भोजन का संवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। जंपिंग जीन का खोज कौन क्या था? मैक क्लीटॉक। जंपिंग जीन SSC GD में, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। जंपिंग जीन का खोज कौन क्या था? मैक क्लीटॉक के द्वारा किया गया। मैक क्लीटॉक के द्वारा किया गया। अगला सवाल आपसे है, कौन सा क्षार, या आपको कहेगा नाइट्रोजन बेस, कभी कभी आपको नाइट्रोजन बेस बोलेगा या क्षार बोलेगा, DNA RNA दोनों में पाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। DNA का फुल फॉर्म होता है DOXY RNA और RNA को होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में कौन सा बेस क्षार पाया जाएगा? एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये तीन है जो दोनों में कॉमन होगा, एडिनिन गुआनिन और साइटोसिन। ये तीनों क्या होगा कि दोनों में, DNA और RNA में दोनों में कॉमन होगा।
अब डीएनए में चौथा कौन रहेगा, तो थाइमिन। तीन तो कॉमन है लेकिन डीएनए में पूछेगा चौथा कौन होता है, थाइमिन, जो कि आरएनए में नहीं होगा, जो आरएनए में नहीं होता है। तो थाइमिन डीएनए में होगा लेकिन आरएनए नहीं होगा, और यूरेसिल आरएनए में होगा, यूरेसिल आरएनए में होगा लेकिन डीएनए में नहीं होगा। लेकिन तीन एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन है। चमगादड़ किस वर्ग में आएगा, तो स्तनपायी वर्ग में आएगा। चमगादड़ किस वर्ग में आता है, स्तनपायी में आएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होगी, तो ग्रेना में। प्रकाशिक प्रक्रिया कहां होगा, ग्रेना में, और अप्रकाशिक प्रक्रिया स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक प्रक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक प्रक्रिया कहां होगा, स्ट्रोमा में। एकदम बिल्कुल इसको याद रखेगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न इस तरीके का बना हुआ है और आगे भी बनेगा। प्रकाशिक प्रक्रिया कहां, ग्रेना में, और अप्रकाशिक कहां, स्ट्रोमा में। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं, तो यह एक प्रकार का फफूंद है। ईस्ट और मशरूम एक किस प्रकार के जीव होंगे, तो एक प्रकार का फफूंद है। अगला सवाल आपका बनता है, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा होगा, सेलुलोज होगा। कौन होगा, सेलुलोज। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं, कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे निर्मित होगा, कवक और शैवाल से निर्मित होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपसे पूछेगा कौन है, तो वो पुष्प होगा। कौन होगा, वो पुष्प हो जाएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम, जिसका सूत्र Mg होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा, मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होगी। पर कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज पूछेगा तो कौन होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। कौन, ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होगा। समसूत्री विभाजन का खोज किसके द्वारा किया गया था, विभाजन दो प्रकार का कोशिका का, एक सूत्री और एक समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन का खोज कौन किया, वाल्टर फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में। वाल्टर फ्लेमिंग क्या था, समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया, फार्मर और यूरे 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन करता, फार्मर और यूरे 1905 ईस्वी में। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम देता है, शरीर में कहीं घाव जख्म हो जाते हैं तो उसका भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का रिजल्ट है, परिणाम है, तो समसूत्री विभाजन। किसका, समसूत्री विभाजन का। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होगा, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, लैमिनेरिया नामक शैवाल से, लैमिनेरिया नामक शैवाल से, इसको भूरा शैवाल भी कहते हैं, भूरी शैवाल। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होगा, लैमिनेरिया नामक शैवाल, जिसको भूरी शैवाल भी आप कहते हैं। अगर अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है, अगर अगर एक पदार्थ है, ये किससे प्राप्त होगा, जेलीडियम नामक शैवाल से, जेलीडियम नामक शैवाल से प्राप्त का होगा अगर अगर पदार्थ। ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन बी होगा। कौन सा विटामिन होगा, विटामिन बी होगा, ठीक है। अब बच्चों, हम लोग का जो आज बायोलॉजी के 20 प्रश्न का आज टोटल 23 प्रश्न हो गए थे, तो 23 प्रश्नों का जो श्रृंखला चला उसको हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप लोग नोट्स बनाकर याद जरूर करेंगे, और जो बच्चों को पढ़ा हुआ है आप रिविजन इसका जरूर लगा लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पढ़ना जरूरी है उससे कई गुना ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर विराम करते हैं, कल अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।